Hello? Kailashnath here. Hi, Grandpa! Oh, hi, my lovely little granddaughter. How are you? Boy, kamal hai, bahut lambi umar hai tumhari. Abhi abhi soch raha tha ki phone lagaun aur tumse baat karun. Kar lete to kitna acha hota. Kam se kam mere call ke paise to bach jate the. Oh, come on, not to worry about it. Is call ke paise main tumhe bhijwa dunga, ha? Aur ha, saath mein 5000 rupaye bhi bhijwana. Hey, hold on, hold on. Bete, mujhe kuch yaad aa raha hai. Parso hi maine tumhe kuch paise diye the na? Am I wrong? No, Grandpa, you're absolutely right. But kya hai? कि वो पैसे मैंने रस्ते में खर्च कर दिए। मैंने इतनी शॉपिंग की कि बस मजा आ गया। Grandpa, please, आप भेजेंगे ना? No problem बेटे, कल ही तुम्हें पैसे पहुंच जाएंगे। या या खान लेकर आ जाएगा। Promise? Yes, promise, 100% promise on one condition. You give me a puppy on telephone. Oh Grandpa, thank you. You're so sweet. That is my granddaughter. Yeah, buddy. And bye. Bless you. Pan? Ji. Pan? Pan, ye 5000 panchgani jaake Pinky ko diya. Ji. Hi. Hi. मैंने कहा था ना ग्रैंडपा मुझे कभी मना नहीं करेंगे पूरे 5000 रुपए भेजने का प्रॉमिस किया उन्होंने 5000 यस 5000 शी इज ब्लफिंग यार गप टिकाती है अभी अभी तो पॉकेट मनी लेकर आई है इतनी जल्दी उसे फिर क्यों भेजेंगे हे किटू यू वांट टू सी शर्त लगाती है लग गई शर्त लेकिन जो मांगूंगी दोगी डन डन Good morning, sister. Good morning. मैं बम्बई से आया हूँ. मुझे पिंकी मल्होत्रा से मिलना. Please sit there. I will call for her. Thank you. Rosie, please send Pinky down. She has a guest from Bombay. Good morning, sister. Good morning. Grandpa. कैसी हो पिंकी? बिल्कुल ठीक. को ग्रैंडपा ने भेजा है ना और कौन भेजेगा थैंक यू कांचा चाचा थैंक यू किस लिए अरे आप जो चीज लाए उस लिए चीज कौन सी चीज कांचा चाचा आप मजाक कर रहे हैं ना क्या आपको ग्रैंडपा ने मेरे लिए ओ अरे भाई आपकी वो चीज हां ये रही आपकी वो चीज कितने कितने आपने मंगवाए थे पूरे 5000 वाओ ग्रैंडपा इज सो ग्रेट बाय खंजा जा मैं चली पिंकी तो झूठ बोलती है कब टिकाती है किसने कहा था ये मैंने तो नहीं कहा था कसम से मैंने भी नहीं कहा था मैंने कहा था यार मुझे क्या पता तुम्हारे ग्रैंडपा इतने ग्रेट है कि फोन करते ही इतने रुपए और नहीं तो क्या पिंकी फोन करे और ग्रैंडपा पैसे ना भेजे इम्पॉसिबल अच्छा जल्दी बताओ किसको क्या क्या चाहिए आइसक्रीम फिल्म मैं कि छोटा फिल्म अरे यार 10 फिल्में देख लो 50 आइसक्रीम खा लो और 100 मैगजीन्स खरीद लो लेकिन इन नोटों का वजन कम नहीं होने वाला पड़े रहेंगे ऐसे के ऐसे सो व्हाट अच्छा ना ज्यादा दिन काम आएंगे तू भी बच्ची है यार जरा सोच अगर ये रुपए जल्दी खर्च नहीं किए तो ग्रैंडपा को पता चल जाएगा तुम्हारा खर्च कम रुपए में चल जाता है और वो आगे से रुपया भेजेंगे नहीं इसलिए रुपया उड़ाओ और मौज बनाओ लेकिन इतने पैसे एक साथ कैसे खर्च होंगे पिंकी बेबी जब जेब में रुपया हो और दिल में मस्ती उड़ाने की तमन्ना तो जन्नत के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं कांग्रेचुलेशंस माय डियर कांग्रेचुलेशंस किस लिए नाउ कम ऑन अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है पहले मत बुझाइए साफ साफ बताइए कि बात क्या है नरेश मल्होत्रा ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भिजवाए हैं और साथ में 50000 का चेक भी अब फटाफट इन पर साइन करो और आज की शाम फ्री रखो तुम मैं और नरेश सेलिब्रेट करेंगे यू आर रियली वेरी लकी कामिनी बहुत खुशकिस्मत हो तुम
मैं जानता था कि तुम जैसी टैलेंटेड लड़की को एक ना एक दिन जरूर बड़ा ब्रेक मिलेगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बैकिंग किसी को मिलना मामूली बात नहीं है। क्या सोच रही हो? Come on, dear, sign the papers. Yes, I will sign these papers. मैं जरूर दस्तखत करूंगी, मगर इससे पहले मुझे किसी से अपना हिसाब चुकाना है। नरेश मल्होत्रा का केबिन कहाँ है? राइट में पहला केबिन। What a surprise! शुक्रिया अदा करने के लिए मिस कामिनी को खुद यहाँ आना पड़ा। Yes, मिस्टर मल्होत्रा, आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इज्जत, दौलत, शोहरत क्या नहीं है आपके पास? और इतना सब होने पर भी कितने जेनरस हैं आप, कितना बड़ा दिल है आपका। जो भी सुनेगा उसे हैरत होगी कि एक मामूली मॉडल के साथ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, मगर उन्हें ये नहीं पता कि एक मॉडल की नहीं एक वेश्या की कीमत है। कह चुकी या कुछ और भी कहना बाकी है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों जलील किया मुझे? एक होटल के कमरे में इस तरह मुझे अकेले छोड़कर जाने पर तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हश्र होगा मेरा? एक अकेली तन्हा लड़की किस तरह लोगों की नजरों का सामना करेगी, किस तरह पहुंचेगी अपने घर? मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये वाकया क्या पहली बार तुम्हारे साथ हुआ है? इस तरह की सिचुएशंस तो तुम्हें कई बार फेस की होंगी। What do you mean, Mr. Malhotra? तुम एक एम्बिशियस लड़की हो कानून, अपना करियर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, I'm not blaming you. It's all part of the game, in fact. और एक बात तुम अच्छी तरह याद रखना, कोई भी इज्जतदार आदमी किसी होटल में तुम्हारे साथ एक रात तो गुजार सकता है, लेकिन बाद में तुम्हारा महबूब बनकर या तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर उस होटल की सीढ़ियां नहीं उतर सकता। You are a brute. इंसान कहलाए जाने के लायक नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम जानवर। Save yourself, Kamini. हर बात की हद होती है। Don't cross your limits. इस वक्त तुम अपने आपे में नहीं हो। बेहतर होगा You go away from here now. We'll talk about it later. What later? What later? इस बात का फैसला अभी इसी वक्त होगा। थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट पर। कामिनी मर जाएगी मगर तुम जैसे का एहसान कभी नहीं लेगी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं यानी कौन? बीवी, प्रेमिका या गर्लफ्रेंड कुछ भी कह ले आप। मम्मी कैसे बोल रही हो? आपने कैसे जाना? अरे भाई, औरतों में ये खास आर्ट है, ससुराल में जितनी अनरोमांटिक होती है ना, मैके में जाते ही उतनी रोमांटिक हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस वक्त जो तुम्हारे लहजे से शहद टपक रहा है, ऐसी प्यार भरी बातें तो तुम घर में कभी नहीं करती। अजी हुजूर, आप मौका ही कहाँ देते हैं। सारा दिन दफ्तर में और शाम को क्लब, हमारी तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ रहती है आपके पास। ओए ओए ओए, तो मैं अभी आ जाता हूँ, ससुराल में बैठ कर फुर्सत से देखूंगा तुम्हें। जी नहीं, अभी आप दफ्तर में बैठकर काम कीजिए, शाम को आइएगा। ओ जीजा, देने से ही पति आओगे तो साली सरक जाएगी। सर हमसे भी बात करो यार। हाय बरखा, कैसी हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड जीजा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बताओ शाम को आ रहे हो ना? अरे भाई कुछ लालच वालच दो तो जरूर आएंगे हम। खाना पकाऊंगी चटपटा सिर्फ तुम्हारे। अरे देखना जीजा, अगर तुम खाने के साथ साथ उंगलियां नहीं खा गए ना तो मेरा नाम बरखा से बदलकर चटखा रख देना। बाय। जीजू। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम दोनों नहीं भाई, हम तीनों चल रहे हैं, क्लब जा रहे हैं डिनर करने। Hey, this is cheating. तुमने तो कहा था कि घर में खाना बनाओगी, वो छटपटा खाना। हाँ हाँ कहा था, लेकिन फिर हमने इरादा बदल दिया,
हमने सोचा कि हमारे जीजू की बहुत दिनों से जेब नहीं कटी है, क्यों ना आज काट ली जाए। शॉबी मुंह भूख लगी है। इनकार करने की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। ठीक है, जहाँ कहती हूँ वहीं ले चलते हैं। Allow me please. Oh sure. अरे अरे, मेरा क्या होगा? क्या कहती हो? कहना क्या है जीजू, सोचती हूँ आज बेचारी दीदी को ले ही चले। ये भी क्या याद रखेंगी कि आज इन्हें एक बढ़िया सी ट्रीट मिली थी, वो भी मेरी वजह से। Follow us. जीजा जी, मजा आ गया। एक्सेलेंट फूड यार। थैंक यू। थैंक यू, आप क्यों बोल रहे हैं? आपने खाना पकाया? नहीं, खाना तो कुक ने बनाया है, लेकिन खिला तो मैं रहा हूँ ना। बिल्कुल गलत। आप सिर्फ बिल पे करेंगे, खाना मैं खिला रही हूँ। क्यों इसके साथ सर खपा रहे हैं? बहस में इसे जीतना नामुमकिन है। That's right. She's absolutely right, जीजा जी. You know that? दीदी, आज तुम्हें साबित कर दिया कि तुम मेरी असली बहन हो, खून के रिश्ते से भी और दूध के रिश्ते से भी। खैर जीजा जी, मैंने सुना है आप अक्सर यहाँ आया करते हैं। बिल्कुल सही सुना है। तो फिर दीदी को साथ क्यों नहीं लेकर? तुम्हारी दीदी को घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ है, जो मैं उसे यहाँ लिया हूँ। अरे तब मुझे बुला लिया कीजिए ना, मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, काम तो है ही नहीं। क्यों ठीक कहा ना दीदी मैंने? बिल्कुल, तुम भला कभी गलत नहीं चलती हो। अरे नरेश भी आ रहे हैं। कौन नरेश? कैसा नरेश? कहाँ का नरेश? यू मीन नरेश मल्होत्रा? अरे आज भाभी यहाँ कैसे आ गई? इन्हें आज मैं लेकर आई। हाय नरेश, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, हाउ आर यू वर्का? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज जीजू की जेब काट कर इनके साथ मस्ती उड़ाई जा रही है। नरेश बैठो ना। नहीं भैया, प्लीज कैरी ऑन, मुझे और कहीं जाना है, रात घर आने में देर हो जाएगी। बाय बाय। क्या स्टाइल है, मुझे कहीं और जाना है, घर आने में देर हो जाएगी। हाय जीजू, एक बात पूछो। क्या ये आदमी सचमुच तुम्हारा भाई है? क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब, तुम और इसमें यार कितना फर्क है जीजू। दिस मैन हैज गॉट सो मच ऑफ स्टाइल, मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ यार। द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, आई मस्ट टेल यू दिस जीजू, दिस मैन ही वॉक्स लाइक अ टाइगर। मैं एक बात सोच रही थी। क्या? ये नरेश भैया और बरखा का रिश्ता कैसा रहेगा? नरेश की शादी बरखा के साथ? ये बात तुम्हारे मन में कैसे आई? नरेश के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी? कमजोरियां तो हर इंसान में होती हैं। ये भी तो हो सकता है कि नरेश भैया शादी के बाद बिल्कुल बदल जाए। और ये भी तो हो सकता है कि शादी के बाद वो और भी बिगड़ जाए। अपनी बहन की जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? भरखा को तो एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। नरेश भैया के बारे में बहुत ही गलत राय कायम कर ली है आपने। अगर आपका छोटा भाई है, इतना बुरा तो मत सोचिए उसके बारे में। करुणा, नरेश क्या है और क्या नहीं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और उसके बाद भी तुम समझती हो कि बरखा के लिए मुनासिब पति है, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो शादी से बिल्कुल खिलाफ हूं। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा सोचा तुमने बहू, फैंटास्टिक। कमाल है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बहू कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं? वैसे बरखा कर क्या रही है बेटे? एमी का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट के लिए वेट कर रही है। वेरी गुड, तुमने बरखा से इस बारे में बात की है? जी नहीं, मैंने सोचा पहले आपकी राय ले लूं, फिर बात को आगे बढ़ाऊं। देखो बहू, हमारे घर में लक्ष्मी जैसी बहू तो ऑलरेडी है। अब अगर सरस्वती भी आ गई ना, अरे ये घर तो स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। प्रॉब्लम एक है, वो है इन दोनों की रजामंदी का। तो बेटे, नरेश को और बरखा को राजी करना, ये तुम्हारा काम है, कर लोगी? अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। ब्लेस यू बेटे, एंड गुड नाइट। गुड नाइट दादी।
बज गए? आज बहुत देर हो गई, काफी लंबा चला ही ऑपरेशन। क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही हूँ। हाँ, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, लेकिन जय जब अपनी कोशिशों से किसी मरीज की जान बच जाती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता है, तभी तो इस प्रोफेशन में हूँ। दरअसल देवयानी, मेरे तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं तो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, जहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स होंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई हर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मैं तुमसे उधार ले लूंगा, उधार नहीं तो डोनेशन से ही। देवयानी, जो सबसे बड़ा फेवर मैं तुमसे चाहूंगा वो ये कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, करोगी ना? कितने ख्याली पुलाव पकाते हो तुम, इतनी आगे की सोच के कोई हाँ या ना कह सकता है? अरे एक बार तुम हाँ कह के तो देखो, मैं आने वाले कल को आज में बदल दूंगा। अब तो साथ दोगी ना मेरा? हाँ दूंगी, प्रॉमिस। ये प्रॉमिस प्रॉमिस क्या है जय? देवयानी, अगर तुम्हारे एक लफ्ज के कह देने से मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, तुम्हारा कुछ बिगड़ता है क्या? ओके बाबा, प्रॉमिस। हियर, दिस इज फॉर यू। ये क्या है सर? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने तुम्हारी एजेंसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे टर्मिनेट कर रहे हैं हम। व्हाट? व्हाट डिड यू से मिस्टर नरेश? मैंने जो कहा वो तुमने सुना? जी सुना। बार बार क्यों पूछते हो? लेकिन क्यों, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मार्केट में ऐसी कई एजेंसीज हैं जो हमें तुमसे बेहतर सर्विस दे सकती हैं। वो ये जानती हैं कि अपने क्लाइंट्स की इज्जत कैसे की जाए। तुम हो फ्रांसिस, तुम्हारी दो टके की मॉडल एक कंपनी के डायरेक्टर के चेहरे पर चेक चेक कर जाने की हिम्मत कर सकती है? सो नाउ इट इज ओवर, यू कैन प्लीज गेट आउट। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, नो बैगिंग नो प्लीडिंग। मैं अपना फैसला तुम्हें सुना चुका हूँ, अब उसमें कोई रद्दो बदल मुमकिन नहीं। यू मे गो नाउ। एक बात और फ्रांसिस, अपनी उस मॉडल से कह देना कि आज के बाद उसे मार्केट में कोई काम नहीं मिलेगा। आई विल डिस्ट्रॉय हर एंड आई मीन इट। तुम नहीं जानते फ्रांसिस उसने कैसा घटिया सुलूक किया है मेरे साथ। उसने कुछ भी किया हो तुम्हारे साथ, आई डोंट गिव अ डैम। मगर तुमने क्या किया है हमारे साथ ये बताऊं तुम्हें? लाखों का नुकसान किया है हमारी एजेंसी का। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साल भर में 25-30 लाख के बिल बनते थे, सब फिनिश हो गया। टोटल लॉस एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओनली यू। लेट मी वॉर्न यू, वो तुमको भी बर्बाद कर देगा। तुम उस शख्स को नहीं जानते जिसका नाम नरेश मल्होत्रा है। वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए अपना लाखों का नुकसान कर देगा। बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। You are finished, Kamini. You are finished and get lost. नरेश मल्होत्रा तुमको बर्बाद कर देगा। वो तुमको बर्बाद कर देगा। वो तुमको बर्बाद कर देगा। तमोगी प्यार और छोटी मोहब्बत का नाम बदल जाने के बाद कितना बदसूरत नजर आ रहा है तुम्हारा, बदसूरत नजर आ रहा है तुम्हारा, कितना बदसूरत नजर आ रहा है तुम्हारा। You are finished, Kamini. You are finished. You are finished. 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 काफी गहरी चोट है। हाँ। नर्स, yes. तुम डॉक्टर राव को फोन करो, उनसे कहो पेशेंट बहुत सीरियस है, इमरजेंसी केस है। ओके डॉक्टर। और जय, तुम पेशेंट को ड्रिप लगाओ, मैं ऑपरेशन थिएटर तैयार करती हूँ। ओके।
ऑपरेशन थिएटर ले चलो. कम ऑन. मेरी मौत का जिम्मेदार नरेश मल्होत्रा है, कामिनी.